Hi everyone, this is Imanshi Bhatia from eVidyarthi.in और अब हम बात करने वाले हैं question number 15, miscellaneous exercise chapter number 5. बहुत ही interesting question है. If x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square, यह हमें equation दी हुई है, जहाँ पर कि a, b, c क्या है constants है, उसके अलावा c greater than 0 दिया हुआ है. हमें इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके बस एक चीज शो करनी है, क्या कि 1 plus y dash का स्क्वायर पूरे का 3 by 2 पावर अपॉन में y double dash, ये जो है ना कांस्टेंट है, ये हमें शो करना है. तो y dash का मतलब क्या है, dy by dx, और y double dash का मतलब है डबल डेरिवेटिव d square y by dx square. तो क्वेश्चन जो आपकी बुक में लिखा हुआ वो ये है कि ये पूरा जो इतना बड़ा सा ये कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि कांस्टेंट है पहली बात, ए और बी नहीं आने चाहिए दूसरी बात, क्योंकि देखो कांस्टेंट्स में यहाँ पर तीन है ना, उसमें से हमें सिर्फ एक चाहिए सी, ठीक है, ए और बी नहीं आने चाहिए, उसके अलावा सी आ जाए तो भी इनको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 0, 1, 2, 3 कुछ ऐसा आ जाए तो भी इनको काम चल जाएगा. तो हमें ऐसा शो करना है, तो इसको हम फाइंड करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए कि कांस्टेंट है, पहले तो ये शो कर लेंगे y डैश यानी कि dy / dx क्या आ रहा है, और फिर y डबल डैश क्या आ रहा है, और दोनों को उठा के इसमें पुट कर दे, सिंपलीफाई कर दे और कांस्टेंट तक लेकर आ जाए. सो दिस विल बी द मेथड. तो चलिए शुरू करते हैं. x minus a होल स्क्वायर प्लस y minus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर है. तो डेरिवेटिव कर लेते हैं इस पूरी इक्वेशन का, डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या आ रहा है. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलता है हमें, एक्स माइनस है होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, अब इसको पूरा ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मत खोल देना, सिंपल किसी की पावर 2 है तो पावर खींच के हम पहले नीचे ले आए 2, जो भी था जिसकी पावर थी एक घटा दी, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ जो अंदर था एक्स माइनस है यानी कि 1. कैसे किया ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इस पूरे की पावर 7 है, तो इस पूरे को कुछ स्टार मान करके स्टार की पावर 7 का डेरिवेटिव करना है, स्टार की पावर 7 का डेरिवेटिव करना है, तो 7 स्टार की पावर 6 हो जाएगा डेरिवेटिव, इनटू में स्टार का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव यहाँ पर आना चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव होता है 2x, और यहाँ से आ गया 7 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 6, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव बन के आएगा. तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं, पावर नीचे ले आओ और एक पावर घटा दो, बन रह गई पावर इंटू में एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव विच इज 1, राइट, प्लस इसकी पावर 2 दे रखी है तो 2 नीचे ले आए, एक पावर घटा दी यानी कि 1 यानी कि कुछ भी नहीं, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ y माइनस b, तो अब इसको नहीं छोड़ सकते, इसमें डेरिवेटिव y डैश आएगा, क्योंकि देखो इसमें x था और x के रिस्पेक्ट में तुम डेरिवेटिव निकाल रहे हो, लेकिन इसमें y लिखा हुआ है ना, तो y माइनस b का जब तुम डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार का भी तो डेरिवेटिव कर रहे थे ना जो अंदर लिखा हुआ था, तो अंदर लिखे हुए का डेरिवेटिव यानी कि y डैश लिखना है साथ में, इज इक्वल टू व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ सी स्क्वायर. सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है जी. तो यहां से हम क्या फाइंड कर ले, y डैश, क्योंकि सबसे पहले तो हमें y डैश ही चाहिए ना, और वैसे भी पता है बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख के बस छोड़ देते हैं, ये उन्हें याद ही नहीं रहता, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार y डैश कैसे निकलेगा, जब तक y डैश लिखोगे नहीं तो निकलेगा कैसे वैल्यू, राइट. तो अब y डैश यहां से कैसे आया, ये आया जी आपका माइनस ऑफ, इसको वहां ले गए राइट हैंड साइड पे, एक्स माइनस ए अपॉन में वाई माइनस बी, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये पूरा उधर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और वाई माइनस बी अपॉन में आ जाएगा, राइट, और माइनस आएगा क्योंकि इस पोर्शन को जब हम राइट हैंड साइड लेकर गए थे नेगेटिव आ गया था, अब इसको हम मार्क कर ले, वाई डैश किसके बराबर आ गया, y डैश आ गया माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन में y माइनस b,
ठीक है, तो इसको आप अलग से रख लो, इसको हम पुट करेंगे अपने जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें। अब क्या करना है, y डबल डैश फाइंड करना है, तो y डैश आ चुका है, डबल डैश निकालना, तो इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। तो एक और बार डेरिवेटिव करना है, आप क्या करोगे डेरिवेटिव निकालने के लिए, समथिंग अपॉन समथिंग डिवाइड हो रहा है, क्वेश्चन रूल लगेगा, मल्टीप्लाई हो रहा होता तो प्रोडक्ट रूल लगता। क्वेश्चन रूल याद है, अगर ऊपर वाले फंक्शन को u बोले और नीचे वाले फंक्शन को v बोले तो u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन में v का स्क्वायर, राइट। अगर तुम लोगों को ये फॉर्मूला अभी भी याद नहीं हुए ना रूल्स, तो प्लीज यार इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, उसमें मैंने सारे रूल्स समझाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, तो उनको समझो, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना बेसिक्स। तो y डबल डैश किसके बराबर आएगा, नेगेटिव तो हमने बाहर ही रखना, कांस्टेंट है ना नेगेटिव, तो माइनस वन जो बचा हुआ है उसका हम अंदर डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव u डैश v, इसका डेरिवेटिव तो वन होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव वन और a का जीरो, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड एज इट इज, तो मैंने सेकेंड को ही लिख दिया है बस, माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, y माइनस v का डेरिवेटिव क्या था, y डैश था, ऊपर भी किया ये तो हमने, अपॉन में v का स्क्वायर, जो नीचे लिखा हुआ है उसकी स्क्वायरिंग कर दी, यही होता है फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये क्या है, y डबल डैश है तो y डबल डैश, पर इसको ऐसे नहीं छोड़ना है क्योंकि इसके अंदर हमें y डैश दिख रहा है, हमें जो निकाल रहे हैं हम वैल्यूज वो x और y में निकालनी है, y डैश नहीं चाहिए हमें इसके अंदर। तो यहाँ पे जो वैल्यू है y डैश की आप इसमें पुट कर देंगे अगर, तो ये y डैश सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, y डबल डैश की फाइनल वैल्यू निकालने के लिए, आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे जी। तो ये y डैश हमने लिखा है फिर से, बस छोटा सा चेंज किया है कि ये जो y डैश दिख रहा है आपको इस पार्ट में, वो वैल्यू हमने यहां से उठा के पुट कर दी है, y डैश की वैल्यू देखेंगे, y माइनस बी, ये माइनस बाहर है, माइनस x माइनस a टाइम्स y डैश, अब ये पूरा मैंने y डैश जो यहाँ पे था, माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन y माइनस b उठा के इसमें रखा और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। पूरे के अपॉन में क्या था, y माइनस b होल स्क्वायर दे रहा, पूरे के अपॉन में लिखा सब, बाकी सब सेम है, नथिंग डिफरेंट। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पे लिखना है ताकि y डबल डैश निकल कर आ जाए, वो हम डिब्बे में रख दे जैसे इसको रखा है, तो इसमें पुट कर ले, ठीक है। तो देखो कैसे होगा सिंप्लीफाई, यहीं पे मैं करके बता रही हूँ, माइनस माइनस, दो माइनस दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, y डबल डैश जो है माइनस आप बाहर रखेंगे, y माइनस बी अब माइनस माइनस प्लस बन चुका है, x माइनस ए, x माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायरिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, दो बार हो गया ना, तो x माइनस ए की स्क्वायरिंग हो गई, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब वन है, इसके अपॉन में y माइनस बी दिख रहा है हमको, ठीक है जी, और पूरे के अपॉन में भी है अभी, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर देख लो, ठीक है, सही है सब कुछ। अब मैं यहीं पे कर रही हूँ वो स्टेप, तुमने एग्जाम में दो अलग अलग स्टेप में करना है, क्या कर रही हूँ इसमें और इसमें, एलसीएम ले रही हूँ, एलसीएम आएगा y माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायरिंग हो गई और ये हो गया जी आपका कंबाइन, y माइनस बी का एलसीएम था, तो ये बन गया ऊपर स्क्वायर, ऊपर यहाँ पे भी स्क्वायर और पूरे के अपॉन में y माइनस बी, इसको सेंटर में लिख दिया मैंने, ठीक है जी, और इस पूरे के अपॉन में है y माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा कहानी में है ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये है कि y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर जो है हमको एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिखाई पड़ रहा है, ये रहा किसके बराबर है, ये सेम चीज लिखी हुई है c स्क्वायर के बराबर है, तो मैं इतना लंबा सा क्यों लिखूं बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन, मैं इसकी जगह पे c स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो c स्क्वायर रख दूंगी यहाँ पे, तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ c स्क्वायर अपॉन में y माइनस b
और इसके अपॉन में एक और है, क्या है, y माइनस बी का स्क्वायर. तो ये जो है ना, दिस एंड दिस विल बी कंबाइंड. ठीक है, तो y माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा. कैसे, मान लो 3/5 लिखा हुआ है और इसके अपॉन में 7 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3/7 × 5. ठीक है, ये अपॉन में लिखा हुआ है और इस पूरे के अपॉन में, तो ये नीचे नीचे हो जाएंगे. सेम तरीके से y माइनस बी का क्यूब बन गया यहाँ पर. अब तो सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का क्यूब, ये हमारी सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है y डबल डैश की. तो हमारे पास y डैश और y डबल डैश दोनों हाजिर हैं. अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें. ठीक है जी, चलो तो आप क्या करो, वीडियो पॉज करके खुद कोशिश करो करने की. तो लिखेंगे पुटिंग इन, इसमें पुट करना है ना, तो 1 + y′ का स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2 और इस पूरे के अपॉन में y डबल डैश. खुद से करने की आप कोशिश करो, वैल्यू पुट करो. देखो इसमें आपने रखना है इसको. ठीक है जी, तो चलिए क्या मिलेगा, 1 + y′ का स्क्वायर. y डैश क्या है, ये है, बाहर माइनस है पर स्क्वायर करके तो माइनस गायब हो जाता है, तो इसकी स्क्वायरिंग कर दो, क्या बनेगा, x − a² अपॉन में y − b² इसके अपॉन में 1 है, तो ये क्या बन गया, 1 + y′ का स्क्वायर और इस पूरे की पावर है 3/2. ठीक है, और इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में y′ है. y′ क्या है, माइनस, जो कि नीचे नहीं रहेगा डिनोमिनेटर में, ऊपर यहां पे लगा दिया हमने माइनस, c² / y − b का होल क्यूब. ठीक है जी, तो ये हमारे पास फिलहाल फुट करके आ रहा है. अब इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगी, या फिर किसको हम रब कर दें, थोड़ा सा ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है इसको थोड़ा सा रब करके यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रही हूँ, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है जी, चलो क्विकली करेंगे. माइनस बाहर दिखाई पड़ रहा है हमको, अंदर है. देखो इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1 − b का होल स्क्वायर. एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा y − b² और ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, y − b² प्लस मेरा x − a² और एलसीएम बन के आ चुका है अपॉन में y − b² और इस पूरे की पावर कितनी है, पूरे की पावर है 3/2. ठीक है, ये पूरे की पावर है 3/2 और इसके अपॉन में क्या है, y − b³ नीचे और ऊपर है c² अपॉन में y − b³. सही है, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ये जो पावर में 3/2 लिखा हुआ है, ये दिस अपॉन दिस में लिखा हुआ है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे देख लो, अगर 5/3 की पावर 5 लिखी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, 5/5 / 3/5. ऐसे हम जब अपॉन में होता है तो पावर को ऊपर नीचे अलग अलग कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे भी अलग अलग कर देना है. लेकिन फिर से हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं इसको लिखने की, y − b² + x − a² = c². तो ये क्या है, c² है, तो मैं यहीं पे इसको क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, c² था और पावर थी 3/2, तो ऊपर नीचे दोनों की पावर हमने क्या कर दी, अलग अलग कर दी, 3/2 और नीचे भी पावर कितनी आ गई, 3/2. ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई है. अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कैसे हो रहा है कैंसिल, समझो इस बात को कि अगर 5 की पावर में मान लो 3 लिखा हुआ है और फिर पावर लिखी हुई है 4/3,
कैंसिल होता है. क्यों होता है? क्योंकि जब पावर के ऊपर भी पावर होती है तो वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है इस तरीके से 3 × 4/5 की पावर 4 रह जाएगा. तो सेम कहानी यहाँ पे भी है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी पावर 2 × 3/2 तो 2 से 2 गायब और नीचे 2 से 2 गायब. तो हमें फाइनली क्या मिला, हमें किसकी इक्वल मिला, ये माइनस सी की पावर 3 इसके अपॉन में है बाय माइनस बी की पावर 3. ये रहा पूरे के अपॉन में, इतने बड़े के अपॉन में क्या है, सी की पावर 2 और इसके अपॉन में बाय माइनस बी की पावर 3. ये रहा ना, अब ये कैंसिल हो गया. नीचे भी y माइनस बी का होल क्यूब है और यहाँ पे भी y माइनस बी का होल क्यूब है. ठीक है, तो फाइनली क्या बचा, माइनस सी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर. ऊपर 3 पावर नीचे 2 पावर कट जाएंगी 2 पावर्स, तो आंसर आएगा माइनस का सी. तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बाद हमें ये पता चलता है कि ये जो पूरा हॉटस्पॉट है ये क्या है, सी है. तो इज इट अ कॉन्स्टेंट, यस, क्योंकि ए बी सी तीनों ही कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है एंड ऑल्सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, क्योंकि इसमें ए और बी तो हमें दिखाई पड़ ही नहीं रहे, सिर्फ सी है. तो हम लिख देंगे इट इज अ कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, हेंस प्रूव्ड. ठीक है जी, तो हो गया हमारा काम, ये लिख दिया हमने यहाँ पे हेंस प्रूव्ड. तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से भी एक बार करके देखो, होपफुली आपको समझ में आया. थोड़ा लेंथी हो गया बट मैं चाहती थी कि हर एक स्टेप हर एक कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊं ताकि कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन डू दिस क्वेश्चन, यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. तो आप इसको खुद करेंगे वीडियो देखने के बाद पक्का, खुद से करना है और मुझे कॉमेंट्स में बताना है कि आपको समझ आ गया है या नहीं. अगर आप नहीं कर पा रहे तो मुझे ये भी बताओ कॉमेंट्स में कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही, क्यों नहीं कर पा रहे. सो या थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपसे मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो, बाय बाय.